मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को देश को समर्पित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित इस समारोह में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और क्रूज को हरी झंडी दिखाई। रिवर क्रूज MV गंगा विलास 52 दिन में गंगा समेत 25 अलग अलग नदियों से होते हुए करीब 3,200 किलोमीटर की दूरी तय कर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस दौरान गाजीपुर, बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सुल्तानपुर, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सहित अलग अलग शहरों में लगभग 51 जगहों पर इस क्रूज का ठहराव होगा। इसमें 36 पर्यटक एक साथ यात्रा कर सकते हैं। 5-स्टार सुविधा और आधुनिक तकनीक से युक्त इस क्रूज के सफर का अनुभव वैश्विक स्तर के मापदंडों को पूरा करता है। इसमें शहनयान, किचन, जिम, रेस्टोरेंट, सैलून, गीत संगीत, चिकित्सा, ओपन स्पेस सहित सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस क्रूज का किराया भारत में 25,000 रुपए और बांग्लादेश में 50,000 रुपए प्रतिदिन है। इस क्रूज के अत्याधुनिक उपकरण गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मददगार होंगे। इसमें एक तरफ जहां प्लास्टिक का प्रयोग प्रतिबंधित है, वहीं दूसरी तरफ शोर रहित प्रणाली से नदियों का इकोसिस्टम भी प्रभावित नहीं होगा। क्रूज टूरिज्म के क्षेत्र में यह अहम प्रयोग है। इससे हमारे देश के युवा साथियों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। यह MV गंगा विलास क्रूज विदेशी पर्यटकों के लिए तो आकर्षण का केंद्र होगा ही, स्वदेशी पर्यटक भी अब पूर्वी उत्तर भारत का रुख कर पाएंगे।